नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 बायोलॉजी के तीसरे अध्याय का अंतिम भाग, जिसमें हम बीज निर्माण और फल विकास को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। भ्रूण विकास होने के पश्चात, विकसित होने के पश्चात बीजांड में अनेक परिवर्तन आते हैं, जिसके द्वारा जो है बीजांड बीज में बदल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीज जो है वो परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं, अर्थात मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। निषेचन के पश्चात इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हम कहेंगे जो बाह्य अध्यावरण है, बीजांड का बाह्य अध्यावरण जो है वो बीज के बाह्य चोर में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टा। आंतरिक अध्यावरण जो है वो अंतःचोल टेगमन में बदल जाता है। बीजांड व्रंथ जो है वो बीज व्रंथ में बदल जाता है। बीजांड द्वार हाइलम और रेफी में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आते हैं। इसके अलावा बीजांड काय जो है वो भ्रूण कोष के निर्माण तक काम में आ जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों के अंदर बीजांड काय जो है वो एक पतली परत के रूप में भ्रूण कोष के चारों ओर पाया जाता है, जिसे हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूण कोष कहते हैं। ऐसा जो है वो काली मिर्च में पाया जाता है। काली मिर्च में जो है वो बीजांड का एक पतली परत के रूप में जो है वो भ्रूण कोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। कुछ पौधों में जो बीजांड व्रंथ है वो वृद्धि करके एक मंसल संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। और लीची के अंदर जो एरिल है वही खाने योग्य भाग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि एरिल क्या है, तो हम कहेंगे कि लीची के अंदर जो है बीजांड व्रंथ जो है वो वृद्धि करके एक मांसल संरचना बना लेता है, जिसे हम एरिल कहते हैं, और यही लीची के अंदर खाने योग्य भाग होता है। यूफोरबियेसी जो कुल है इनके जो पौधे हैं, इन पौधों के अंदर बीजांड द्वार से एक अतिवृद्धि विकसित होती है, जो कि सफेद रंग की होती है। सफेद रंग की अतिवृद्धि निकलती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। जिसे हम एग्जाम्पल बताएंगे अरंडी में, यूफोरबियेसी कुल के पादपों के अंदर बीजांड द्वार से एक सफेद रंग की अतिवृद्धि विकसित होती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं, और हम कहेंगे इसका एग्जाम्पल बताएंगे अरंडी। अब हम बात कर रहे हैं फल का विकास। अब हम बढ़ रहे हैं फल का विकास। निषेचन के पश्चात जो है वो
अंडा से जो है वो फल में बदल जाता है। अतः हम कहेंगे कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो है वो फल के अंदर बीज बंद होते हैं, यानी मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। परिपक्व अंडाशय जिसमें बीज होते हैं उसे फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, अर्थात जिन फलों के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है, उन्हें वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। लेकिन जिन फलों के निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई अन्य भाग अगर फल निर्माण में काम आता है तो उसे हम असत्य या आभासी फल कहते हैं। जैसे हम कहेंगे सेम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, इन फलों में जो है वो इन पौधों में जो है फल का निर्माण जो है वो अंडाशय के अलावा पुष्पाशन भी भाग लेता है। सेम, नाशपति और स्ट्रॉबेरी के अंदर अंडाशय के अलावा पुष्पाशन फल निर्माण में भाग लेता है, इसीलिए इन्हें हम असत्य या आभासी फल कहते हैं। कभी कभी कुछ पौधों के अंदर बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाता है, ऐसे फलों को हम अनिषेक फल तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे केला, पपीता, अंगूर, इनके अंदर बिना निषेचन के ही अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है, ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। कुछ पौधों में पादप हार्मोन ऑक्सिन व जिब्रेलिन की सहायता से अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है, इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। और प्रेरित अनिषेक फलन जो है उन पौधों में किया जाता है जिन पौधों के अंदर खाने योग्य भाग मांसल होता है तथा जिनमें अंत फल भित्ति काष्ठीय प्रकृति की होती है। उन पौधों में जो है प्रेरित अनिषेक फलन को ऑक्सिन और जिब्रेलिन की सहायता से प्रेरित किया जाता है। और अलग अलग पादप के फल का खाने योग्य भाग जो है वो अलग अलग होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाती है और फल भित्ति प्राय 3 भागों में बटी हुई होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। इसे बोलते हैं एपिकार्प, इसे बोलते हैं मिजोकार्प और इसे एंडोकार्प, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से फल भित्ति कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प।
और ये फल वित्ती जो है वो अंडाशय वित्ती ही होती है। अतः निषेचन के पश्चात अंडाशय वित्ती फल वित्ती में बदल जाती है और कई पादपों के फलों के अंदर हम इन तीनों वित्तियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन कुछ में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अगर तीनों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो उन्हें क्रमशः बाह्यफल वित्ती, मध्यफल वित्ती और अंतःफल वित्ती कहा जाता है। जैसे कि हम कहेंगे आम, आम के अंदर जो है वो बाहरी हरे रंग की जो परत होती है जिसे हम छिलका कहते हैं वो बाह्यफल वित्ती होती है, आंतरिक येलो कलर का जो खनियोग्य भाग है मांसल वो मध्यफल वित्ती होती है और उसके अंदर जो गुठली है लकड़ी काष्ठीय होती है उसे हम अंतःफल वित्ती कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आम में खाने योग्य भाग जो है वो मध्य फल वित्ती खाने योग्य होती है। इसी प्रकार से अलग अलग पादपों के अंदर फल का खाने योग्य भाग भी अलग अलग होता है। दोस्तों इसके पश्चात हम निषेचन के बाद होने वाले जो परिवर्तन हैं, पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बीजाणु में होने वाले परिवर्तन और भ्रूण कोष में होने वाले परिवर्तन, उनको एक शॉर्ट लिस्ट में वापस समझते हैं। हम कहेंगे निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन कि निषेचन के बाद पुष्प के जो भाग हैं बाह्यदलपुंज, दलपुंज, भुमंग और जायांग, इनमें क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दल दल की। तो हम कहेंगे निषेचन के पश्चात बाह्य दल जो है वो प्राय नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों के अंदर बाह्य दल हमेशा फल के साथ ही परमानेंट स्थायी रूप से होते हैं। जैसे कि हम कहेंगे बैंगन, टमाटर, इनके अंदर जो है वो बाह्य दल फल के पश्चात बनने के पश्चात भी फल के साथ हमेशा लगे रहते हैं। दूसरी बात करें दल की, दल जो है ये नष्ट हो जाते हैं। उमंग की बात करें ये भी नष्ट हो जाते हैं और दयांग की बात करें तो इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका ये तो गिर जाते हैं लेकिन अंडा से जो है वो फल में बदल जाता है और बीजाणु जो है बीज में बदल जाता है। ये निषेचन के पश्चात पुष्प के भागों में होने वाले परिवर्तन को हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं निषेचन के पश्चात बीजाणु में होने वाले परिवर्तन। इनकी एक सूची बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजाणु व्रंथ। बीजाणु का जो बीजाणु व्रंथ है वो बीज व्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। जो अध्यावरण है वो बीज कवच सीड कोट में बदल जाते हैं। इसमें हम कहेंगे जो बाह्य अध्यावरण है वो बीज का टेस्टा यानी बाह्य बीज चौल बनाता है और आंतरिक अध्यावरण या अंत अध्यावरण जो है वो टेगमन बीज के अंतःचौल का निर्माण करता है।
बीजांडकाय जो है वो भ्रूण कोष के निर्माण तक प्राय काम में आ जाता है, लेकिन कभी कभी परिभ्रूण कोष के रूप में शेष रह जाता है, जैसे कि हम कहेंगे काली मिर्च में, इसे हम कहते हैं परिभ्रूण कोष। परिभ्रूण कोष के रूप में काली मिर्च के अंदर शेष रह जाता है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं बीजांड द्वार की। बीजांड द्वार जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अरंडी के अंदर बीजांड द्वार से एक सफेद रंग की अतिवृद्धि, जिसे हम करंकल कहते हैं, विकसित होती है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि बीजांड व्रत जो है वो अतिवृद्धि करके एक मांस संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम एरिल कहते हैं, और यह है लीची में खाने योग्य भाग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूण कोष, मादा युग्मकोद्भिद में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। भ्रूण कोष में होने वाले परिवर्तन, एम्ब्रियो सैक में होने वाले परिवर्तन। इसमें हम कहेंगे कि जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं जो हैं, वो भी अपहासित हो जाती हैं। निषेचन के पश्चात जो युग्मरज बनता है, वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक यानी त्रिसलिन के पश्चात बनने वाला जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक है, जो त्रिगुणित होता है, वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना भ्रूण कोष में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम निषेचन के बाद होने वाले पुष्प बीजांड और भ्रूण कोष में होने वाले परिवर्तनों को शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है जब द्विगुणित बीजांडोद्भिद पीढ़ी और अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी में क्रमानुसार परिवर्तन आते हैं, अर्थात बीजांडोद्भिद पीढ़ी के बाद युग्मकोद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बाद बीजांडोद्भिद पीढ़ी का आगमन होता है, तो ऐसे क्रम को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो मुख्य पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद होती है, जो जड़ तना पत्ती के रूप में पाई जाती है और प्रधान अवस्था होती है, अर्थात पादप के रूप में पाई जाती है। इसमें कायिक वृद्धि के पश्चात लैंगिक जनन अंग पुष्प का निर्माण होता है, और पुष्प के अंदर नर जनन अंग पुंकेसर, मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है।
पुंकेसर के अंदर पराग कोश है, उसमें पराग धनी है, उसमें उपस्थित एमएमसी में अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है, जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। इसी प्रकार से स्त्री केसर जो अंडाशय है उसके अंदर बीजांड होते हैं, और बीजांड में जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मदर सेल, उनके अंदर मियोसिस होता है, जिसके द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु विकसित होकर के सात कोशिकीय आठ केंद्र की संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसके पश्चात पराग कोश से पराग कण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जहां पर इनकी वर्तिकाग्र के द्वारा पराग स्त्री केसर क्रिया के माध्यम से जांच की जाती है, और पराग कण अंकुरित होने के पश्चात अंडाशय तक पहुंचते हैं, प्राणनलिका के माध्यम से नर में पहुंचते हैं, और प्राणनलिका जो है अंडाशय से बीजाणु और बीजाणु से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, जहां पर द्विनिषेचन होता है, और जिसके द्वारा युग्मनज और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है, और प्राथमिक भ्रूण कोश जो केंद्र है वो त्रिगुणित भ्रूण कोश जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना होती है उसमें विकसित हो जाता है, और बीजांड बीज में बदल जाता है। इसके पश्चात अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवर्त बीज पादपों के अंदर जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद होते हैं। इस फलों के निर्माण के पश्चात जो है फलों का प्रकीर्णन होता है, जिसके द्वारा बीज बिखरते हैं, और बीज जो है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरण के माध्यम से अंकुरित होकर के वापस बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो है वो जीवन चक्र पूरा होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पराग कोश में अर्धसूत्र विभाजन जो है एमएमसी के अंदर अर्धसूत्र विभाजन होने के पश्चात पराग कणों का निर्माण होता है, और मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्र विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से जो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो कि अगुणित होती है की शुरुआत हो जाती है, लेकिन निषेचन होने के पश्चात ये समाप्त हो जाती है, और युग्मनज बनते ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वापस बन जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर बीजाणुद्भिद पीढ़ी मुख्य और जीवन यापन करने योग्य होती है, जो कि जड़ तना पत्ती के रूप में होती है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी गौण और पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है। इस प्रकार का जो जीवन चक्र है उसे द्विगुणितक जीवन चक्र डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी मुख्य है और पूर्ण विकसित है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी गौण और बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर आश्रित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पीढ़ी एकांतरण है वो अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।